संभल हिंसा के बाद जुम्मे का दिन है। ऐसे में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। 10 जिलों की पुलिस को सुरक्षा में लगाया गया है, तो वहीं सीसीटीवी के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दे कि जुम्मे की नमाज और कोर्ट में सुनवाई को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों पर खास नजरें रखी जा रही हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम पूरी तरह से सतर्क है। संभल में आज जुम्मे की नमाज को देखते हुए पुलिस अधिकारियों के साथ 70 जिला मैजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। ये अधिकारी पुलिस द्वारा चिन्हित जगहों पर तैनात रहेंगे। इसके साथ ही लोगों से शांतिपूर्वक मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने की अपील की गई है। संभल में पीसी की 15 कंपनियां और 2 आरएएफ की कंपनियां तैनात की गई है। इलाके में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर संवेदनशील क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। पुलिस कर्मी बॉडी कैमरों के साथ तैनात किए गए हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद पर सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आ गया है। मस्जिद प्रबंधन समिति ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश को चुनौती दे दी है, जिसमें मस्जिद का सर्वे करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। 19 नवंबर को 8 याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह मस्जिद एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। उसी दिन अदालत ने एक तरफा आदेश देते हुए सर्वे की इजाजत दे दी। मस्जिद प्रबंधन समिति का कहना है कि मस्जिद 16वीं सदी से मौजूद है और ये हमेशा से मुसलमानों के लिए इबादतगाह रही है। प्रबंधन समिति ने अपनी याचिका में दावा किया कि यह आदेश जल्दबाजी में दिया गया और इसमें कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई गई कि सर्वे को करना क्यों जरूरी समझा गया। आदेश के तुरंत बाद एडवोकेट कमिश्नर और याचिकाकर्ताओं के वकील पुलिस बल के साथ मस्जिद पहुंचे और शाम 6 बजे से रात 8:30 बजे तक सर्वे किया। 24 नवंबर की सुबह सर्वे टीम फिर मस्जिद पहुंची। उस वक्त नमाज पढ़ रहे लोगों को मस्जिद से बाहर जाने को कहा गया। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। हिंसा के दौरान 4 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने कहा कि उनकी तरफ से कोई गोली नहीं चलाई गई। पुलिस के मुताबिक उन्होंने केवल गैर घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। एक और व्यक्ति की बाद में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि सर्वे रिपोर्ट को सील में रखा जाए और तब तक बरकरार रखी जाए जब तक अपील का फैसला नहीं आ जाता। याचिका में कहा गया है कि बिना सभी पक्षों को सुने और पर्याप्त समय दिए इस तरह के विवादित स्थलों पर सर्वे के आदेश देना सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देता है और देश की धर्मनिरपेक्षता को खतरे में डालता है। ये मामला ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट पहले से ही वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर और मथुरा के श्रीकृष्ण जन्म स्थान से जुड़े विवादों पर सुनवाई कर रहा है। इन मामलों के साथ 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी अदालत के समक्ष लंबित हैं। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस विवाद का क्या फैसला सुनाता है और क्या इससे देश में बढ़ते धार्मिक विवादों पर कुछ रोक लग पाएगी। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया। आज को तो सभी अच्छी है। हमने आज का जो शुक्रवार है, जुमा का नमाज है, पिछले सप्ताह भी हमने शांति से निकला, आज इस बार भी शांति से होगी। उसके लिए हमने सभी लोग से अपील किया है, पहले एकांकर संभ्रांत लोग से, उनसे अपील करते हुए सभी लोगों ने हम लोग को वादा भी दिया है, उन्हें कंसर्न भी दिया, हम लोग शांति से निकलेंगे, आप अपना मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जो हमेशा यहाँ पे जुमा मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोग कितना हमेशा आएंगे, उसी तरह के लोग आते हैं, नमाज पढ़ेंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके साथ साथ हमने थ्री टायर में हमने सिक्योरिटी स्कीम लागू किया है, सुपर जोन, जोन, सेक्टर स्कीम में, उस पर एडिशनल एसपी, सीओ और डीएसपी और इंस्पेक्टर एसएचओ को पोस्टिंग लगी है। उसके साथ साथ कई जनपद और मंडल से फोर्स आई है, उनके सबका ड्यूटियां डिप्लाई कर चुके हैं। उसके साथ पीएसी भी, कई कंपनियां पीएसी लगाया है और आरईएफ का फोर्स भी डिप्लाई करके रखा है हम लोगों ने, और बैरिकेडिंग और ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी हर सेक्टर में, और सीसीटीवी कैमरा नया जो उस दिन कुछ सिल हो गया था उसकी रिप्लेसमेंट करके पूरी इलाका में सीसीटीवी कैमरा भी नया लगा दिया, उसके मतलब निगरानी हो रही है लगातार। एक अपडेट जो आ रही है, मौलाना तौकीर रजा जो है बरेली से 2 बजे यहाँ आएंगे संभल में,
नहीं, उसके हम लोगों ने बात कर ली है वहाँ लोकल से, वहाँ पे SSP बरेली से बात किया और उन लोग वहाँ से रुकेंगे यहाँ पर आने के। ऑलरेडी DM साहब का ऑर्डर है, उसके कोई आदमी उल्लंघन नहीं कर सकता, उसका हम निगरानी रखा, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चंदौसी कोर्ट में सर कितनी सुरक्षा के इंतजाम किए? वहाँ पे भी पर्याप्त सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पे भी डिप्लॉय करके रखे, वहाँ पे भी PAC डिप्लॉयड है और लोकल पुलिस डिप्लॉयड है, वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी भी वहाँ मौजूद है, कोर्ट के भी कोर्ट परिसर के भी ड्यूटियाँ डिप्लॉय करके रखे। कितने सेंसिटिव पॉइंट्स आप लोगों के द्वारा सर चिन्हित किए गए और क्या सुरक्षा इंतजाम है हर जगह, क्योंकि कहा जा रहा है नखासा और उसके आसपास का क्षेत्र भी काफी सेंसिटिव है? ये पूरी शहर में मोर देन 50 पॉइंट में हम लोगों ने आईएनडी की ड्यूटियां लगी, पर्याप्त फोर्स डिप्लाई की है, इस पे हर पॉइंट में बैरिकेडिंग के साथ हम लोग निगरानी प्लस हमारा वरिष्ठ अधिकारी सब फोर्स अलर्ट है। इसके हमारा जस्ट ये प्रिकॉशनरी मेजर है, जो इन केस कोई आदमी के मन में कुछ है उपद्रवादी वगैरह उन लोगों ने कुछ तो कोशिश करी, उनके एक उनका एक मैसेज देने के लिए फोर्स है, बाकी सामान्य लोग के लिए उनका सुरक्षा के लिए लगी हम लोग, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आज पूरी शांति से ये आज का हम लोग कराना हमारा टारगेट है, अभी तक अच्छा है, सभी दुकान भी खुल रहे, लोग भी मूवमेंट में कर रहे, सभी लोग हमसे बात भी कर, कोई दिक्कत नहीं होगा। महिला पुलिस फोर्स की भी तैनाती? हाँ, महिला पुलिस भी हर चौराहे पर सब जगह महिला पुलिस भी हमने डिप्लाई किया, बाहर से भी फोर्स बुलाया, वो भी मोर देन 100 कांस्टेबल्स महिला कांस्टेबल डिप्लाई करके रखा है।